31 दिसंबर की रात जब देश नए साल का जश्न मना रहा था, उस वक्त दिल्ली की इन्हीं सड़कों पर एक ऐसे रोंगटे खड़े कर देने वाली वारदात हुई जिसने हर किसी को हिला कर रख दिया है। न्यूज 18 इंडिया की मौजूदगी उसी स्पॉट यानी कि कंझावला के उसी स्पॉट पर है जहां पर एक ऐसी खौफनाक वारदात को अंजाम दिया गया जिसने कई सवाल खड़े कर दिए हैं। देर रात भी न्यूज 18 इंडिया की टीम बिल्कुल सीधे हम रुक करेंगे आनंद का, क्योंकि डीसीपी उनके साथ मौजूद है। इस पूरी वारदात को लेकर क्या कुछ कहना है पुलिस का, ये सुन लेते हैं। आनंद, ओवर टू यू। जी देखिए मोनिका, जो हरिंदर कुमार सिंह है, जो डीसीपी आउटर हैं, जो मौका वारदात पे पहुंचे थे, वो भी हमारे साथ हैं, उनसे बात करते हैं। सर, इस घटना को रेप और हत्या से जोड़कर परिवार आरोप लगा रहा है, सबसे पहले उस पर आपसे जानना चाहेंगे, क्या दिल्ली पुलिस का इसमें वो है पक्ष? हमने पोस्टमार्टम के लिए एक मेडिकल बोर्ड कंस्टिट्यूट करने के लिए हेल्थ डिपार्टमेंट जीएमसीटी को रिक्वेस्ट की है। 3 डॉक्टरों की टीम पोस्टमार्टम करेगी और उनकी जो फाइंडिंग्स आएंगे वो एस्टेब्लिश करेंगे किस तरह का कोई इंसिडेंट हुआ था कि नहीं। सर, ये कौन शख्स गाड़ी चला रहा था और कितने लोग गिरफ्तार हुए, किन किन धाराओं में? इसमें दीपक खन्ना नाम का व्यक्ति गाड़ी चला रहा था, उनके साथ 4 लोग और बैठे हुए थे। और मैं आपको बताना चाहूंगा कि इनिशियली जब कोई भी फैटल एक्सीडेंट होता है तो ड्राइवर के खिलाफ 279/304A में केस दर्ज होता है और थाने से ही एक्यूज्ड की बेल हो जाती है। इस केस में ना सिर्फ 279/304A बल्कि 304IPC भी, ना सिर्फ ड्राइवर बल्कि साथ में जो 4 लोग थे उनके खिलाफ भी हमने इन्वोक किया है और हमने उनको अरेस्ट किया है। उनको कोई बेल नहीं मिली है। आज उनको हम कोर्ट में प्रोड्यूस करेंगे और कोर्ट को रिक्वेस्ट करेंगे कि उनकी पुलिस रिमांड दी जाए ताकि होल सीक्वेंस ऑफ इवेंट्स कुड बी एस्टैब्लिश्ड इन देयर प्रेजेंस एंड विद द हेल्प ऑफ सीसीटीवी फुटेज एंड आवर फॉरेंसिक टीम। सर, परिवार एक और आरोप लगा रहा है कि जो लड़की उनके साथ गलत काम करके, गाड़ी के अंदर गलत काम हुआ, खून के धब्बे गाड़ी के अंदर मिले हैं। आप लोगों ने गाड़ी की सर जांच कराई है, आज भी फॉरेंसिक जांच हो रही है, ब्लड सैंपल गाड़ी में कहां पे मिले हैं सर आप लोगों को? फॉरेंसिक टीम अपनी रिपोर्ट में ये बात एस्टैब्लिश करेगी और गाड़ी को अंदर से बाहर से हर तरह से वो टीम एग्जामिन कर रही है। इस तरह के एलिगेशंस अभी तक सब्सटेंशिएट किसी भी एविडेंस से नहीं हुए हैं। सर, जो तस्वीरें देख रहे हैं उसमें लड़की के पीठ पे काफी चोट लगी है, वो घसीटते चली गई कई किलोमीटर तक, ये वजह थी? कितने किलोमीटर घसीटते गई है लड़की, सीसीटीवी में दिख रहा है सर? जो बॉडी की पोजीशन रही है उसमें बैक पोर्शन ही डैमेज्ड है और इतना डैमेज्ड है जिसमें रिब्स भी एक्सपोज हो गई है। ये साइंटिफिक एविडेंस में फॉरेंसिक टीम के एग्जामिनेशन में बात आएगी कि ड्रैगिंग के दौरान महिला की पोजीशन क्या रही होगी और किस तरह से उनको चोट आई। सर, आरोपी शराब के नशे में थे, क्या ये चीज कंफर्म हो पाई है सर? सभी एक्यूज्ड के हमने ब्लड सैंपल प्रिजर्व करा दिए हैं, उनका मेडिकल हो चुका है। ब्लड सैंपल्स में अगर अल्कोहल के ट्रेसेस आएंगे तो हमारे लिए एडेड एविडेंस होगा। सर, लड़की उस रात में कहाँ थी, वो चीज पुलिस क्या पता लगा पाई है? उस एंगल पे क्या पता चला लड़की उस रात कहाँ थी? घर वाले कह रहे हैं कि 9 बजे से उसका फोन बंद था, घर ये परिवार का कहना है, और फोन पे उससे बात नहीं हो पा रही थी उनकी लड़की की। नहीं, इस तरह की हमारे नॉलेज में कोई बात आई नहीं है और जो हमें बताया गया था या जो हमें पता चला है उसमें यही है कि महिला मैरिज या कोई और फंक्शन में वेलकम ग्रुप में शामिल होते थे पार्ट टाइम जॉब के लिए और उस दिन भी 31 में किसी फंक्शन में ही उन्होंने जो स्वागत करने के लिए टीम होती है उसमें पार्ट टाइम जॉब के लिए गई थी और वहां से वापस लौट रही थी तभी इंसिडेंट हुआ। सर, वो जगह आइडेंटिफाई किया आप लोगों ने, कर रहे हैं क्या है? उस एस्पेक्ट पे हमने अभी काम नहीं किया है क्योंकि हमारे लिए जो एक्सीडेंट हुआ या जो आगे के सीक्वेंस बने हैं उस पर काम करना भी ज्यादा जरूरी। सर, परिवार आरोप लगा रहा है कि लड़की को शायद ट्रेस करा होगा या लड़की के साथ गलत काम करने के लिए उसको फॉलो किया होगा। आरोपियों से आपने पूछताछ करी, वो सर थोड़ा सिक्वेंस और बता दीजिए पूरा। उनके मोमेंट हम चेक कर लेंगे, अभी तक हमारे इन्वेस्टिगेशन में इस तरह की कोई बात नहीं आई है जहां एक्यूज्ड या विक्टिम एक दूसरे को जानते हो या कहीं किसी को फॉलो किया गया हो। आमने सामने दोनों गाड़ियों के टकराने के एविडेंसेस हमारे पास है। तो आनंद, लगातार बिल्कुल बिल्कुल आनंद, यहाँ पर 5 बातें कहीं ना कहीं निकल कर आई हैं। सबसे पहला ये कि सभी आरोपी को गिरफ्तार कर लिया गया है। FSL की टीम जो है अब इस पूरे मामले की जांच करेगी, स्कूटी की जांच करेगी, कार की जांच करेगी, लगातार आरोपियों से पूछताछ की जा रही है। इसके अलावा आज लड़की का पोस्टमार्टम होगा, ये सबसे अहम कड़ी हो सकती है और कई परतें आज इस पोस्टमार्टम रिपोर्ट के बाद खुल सकती है। ब्लड सैंपल्स जो है आरोपियों के लिए गए हैं क्योंकि लगातार ये दावा किया जा रहा है कि लड़के नशे के धुत में थे और यही वजह है कि इस पूरी वारदात को अंजाम दिया गया। लेकिन सबसे बड़ी खबर